हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 12th क्लास का हिस्ट्री और उसके जो है मैप का पार्ट कर रहे थे, मैप वर्क, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको हमेशा मिल जाएगा देखने को एग्ज़ाम के। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दिखाऊंगा मैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आपने अगर ये वाला वीडियो कर लिया पूरा तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो आज हम करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें जो है सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है आपका क्षेत्र लिखा हुआ है, और इधर जो है संबंधित राज्य के बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन सी जगह पूछी जाती है जो आपको भरना होता है मैप में। इसके बाद हम इसको, ये तो राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और इधर क्षेत्र, थोड़ी देर बाद अभी हम इसको मैप भर के भी देखेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं, पहले सबसे पहला जो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र से, वो है अमृतसर। और अमृतसर जो है वो हमारा पंजाब में पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है चौरी चौरा, जहाँ पर चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, वो जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है तीसरा जो चंपारण, चंपारण भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, इसलिए ये हमेशा से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये जो है हमारा कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट जो है वो है मुंबई, और मुंबई जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद चार जगह जो है वो गुजरात से है, और वो चारों जगह हमेशा कोई ना कोई इन चारों में से एक पूछा जाता रहा है, जैसे अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी और बारदोली, ये चार जगह है, चारों गुजरात से संबंधित है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, खेड़ा भी गुजरात में है, दांडी भी गुजरात में है, और बारदोली भी गुजरात में है। तो ये चारों जगह जो है ये गुजरात से जुड़ा हुआ है, और ये राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से है। इसके अलावा दो और जगह हैं जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी उसको ध्यान में रख लीजिएगा। एक है लाहौर जो पाकिस्तान में है, और कराची, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको भरना कैसे है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे हर साल पूछे जाते रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ए बी सी करके जो है 3 पॉइंट दे रखा है, ए बी सी, और यहाँ पर जो है आपको देखोगे तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, जहाँ पर ए में अमृतसर है, बी में चौरी चौरा, और सी में अहमदाबाद भरा गया है। इसके अलावा अगर और देखें तो यहाँ आप देखेंगे तो ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए 2014 का ये क्वेश्चन पेपर था, और इसमें जो है देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर अमृतसर के बारे में दोबारा पूछा गया है, चंपारण यहाँ पर पूछ लिया गया, वहाँ पर चौरी चौरा था, यहाँ पर चंपारण पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर दांडी दोबारा से पूछ लिया गया है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा अक्सर रिपीट होकर वही चीज़ें पूछी जा रही है। यहाँ पर देखिएगा 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो अमृतसर को दोबारा पूछा गया है, 2014 में भी था, इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर दिखाया उसमें भी था, और ये अभी 2015 में भी देखोगे तो ये अमृतसर पूछा गया है, और यहाँ पर फिर से चंपारण को एक बार पूछा गया है, और यहाँ पर ये जो है अहमदाबाद दोबारा से आ गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये है 2016 का क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ देखिएगा, तो अमृतसर तो हर जगह हर क्वेश्चन पेपर में अगर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ मैप आता है तो उसमें अमृतसर होगा ही होगा। इसके अलावा ये देखिए आप चौरी चौरा, और यहाँ पर एक जो मुंबई है वो भी पूछ लिया गया है। 2017 के मैप की अगर हम बात करें तो 2017 में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया था, पर हाँ ये जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मैप का, तो आप वहाँ से देखिएगा, मैंने ये सारे जगह जो है भरना उसमें सिखाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, ये भी हड़प्पा से, और ये भी हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल हैं, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस मैप, क्योंकि ये मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको भरने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। सबसे तो चलिए हम सबसे पहले भरते हैं
अमृतसर। और अमृतसर जो है, जैसा कि आपने देखा था वीडियो में, मैप में, कि यहाँ पर जो है ये इस एरिया में, या फिर यहाँ पर जो है आपसे अमृतसर दे दिया जाएगा, और ये है अमृतसर आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो था ये जो यूपी का जो क्षेत्र था हमारा चौरी चौरा, तो चौरी चौरा का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है, क्योंकि ये हमारा जो है यूपी वाला पूरा एरिया है, और यूपी में जो है चौरी चौरा जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये है चौरी चौरा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूपी से सटा हुआ ये बिहार है, और बिहार में ही एक जगह है जो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जुड़ा हुआ, वो था चंपारण। तो चंपारण आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा, चंपारण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात के जो चार बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसको हम देख लेते हैं ज़रा, कि गुजरात, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, गुजरात वाला ये एरिया है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि अच्छे से इसको भर पाएँ, ठीक है। तो गुजरात में आप देखोगे तो गुजरात में चार जगह हैं। सबसे पहले जो है अहमदाबाद है, और अहमदाबाद जो है ये आपका इस बिंदु के आसपास में दिख जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी, ज़रा सा, ये जो अहमदाबाद है ये आपको इधर के एरिया में अहमदाबाद ये आपको दिख जाएगा, जहाँ जैसे ही यहाँ पर आपको मिले और यहाँ पर ऐसे और एरो डाल के नाम लिखने का बोले तो ये आप यहाँ पर अहमदाबाद आराम से भर सकते हैं। उसके नीचे अगर देखोगे आप तो खेड़ा है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? खेड़ा। तो ये खेड़ा है, और ये जो यहाँ पर आपको ये कोना दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इससे अगर जुड़ा हुआ कहीं पर आ जाए कि ये वाला जो जगह है इसके आसपास में इर्द गिर्द में, तो ये समझ लेना ये दांडी है, और ये क्या था? खेड़ा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, अभी हम भरा हुआ मैप भी देखेंगे तो उसको थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये जो कोना दिख रहा था आपको, इस कोने से नीचे जो है ये वाला एरिया जो है, इस एरिया में अगर आपसे पूछा जाए ऐसे एरोडाल को कि ये कौन सी जगह है, तो ये आप आंख बंद करके बारदोली इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और इसके अलावा एक और जो क्षेत्र है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो था मुंबई का क्षेत्र, जो बम्बई जिसको हम बोलते थे उस टाइम पर। तो अगर इस एरिया में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी, इस एरिया में जहाँ पर मुंबई अभी भी है, उस एरिया में अगर आता है तो आप यहाँ पर मुंबई भर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम मैप के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हमने मैप भर रखा है वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम आ चुके हैं अपने मैप के ऊपर, और आप यहाँ पर देखोगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो दिखाए गए हैं आपको। तो जैसा कि हमने देखा था अमृतसर, तो अमृतसर आप पंजाब में देख सकते हैं, ठीक है। चौरी चौरा ये आप यूपी में इस जगह पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। चंपारण ये बिहार में है। एक और क्षेत्र है यूपी में ही, बनारस, इसको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसलिए मैंने इस पे फोकस नहीं किया है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में पाकिस्तान में जो दो क्षेत्र थे, लाहौर और ये कराची इधर है, ये आप देख लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात में, ये जो चार जगह है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बिंदु दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, ये अहमदाबाद, दूसरा जो दिख रहा है ये खेड़ा, और ये जो है इस क्षेत्र में ये है आपका दांडी, और इधर जो है ये बारदोली, और उसके नीचे महाराष्ट्र में जो है ये है मुंबई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैप पूरा होता है, और मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं हर साल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको आराम से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।